बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए आठों पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देत हैं, सो कहूँ शोभाहक, सो कहूँ शोभाहक। दिन आठों प्रहर की कही बिरत जो ए। प्रणधार आत्मसंबंधी सुंदर साहब जी, आज इस वर्ष की वितक चर्चा का अंतिम दिन है। कल की चर्चा में हमने रात्रिकालीन चार प्रहरों की वितक सुनी कि शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक की दिनचर्या क्या रहती है, किस प्रकार सुंदर साथ शाम को चितवनी करते हैं, कैसे श्री जी को अरुगाया जाता है, किस प्रकार रात्रि को श्री जी को अरुगाने के पश्चात छठे प्रहर से चर्चा प्रारंभ होती है, श्री जी चर्चा में किस प्रकार परम धाम की शिक्रब्र से लेकर के ब्रज रास जागनी की सारी बातें सुनाना, कैसे सातवें प्रहर में भी कई बार रात के 1-1.5-2 बज जाते हैं चर्चा करते हुए, और जब चर्चा नहीं होती है तो बाकी समय में जो 14 बारियां 14 समूह है गाने वाले, वे आकर के वाणी का गायन करते हैं। उस वाणी की महत्ता क्या है और वाणी गाने वाले सुंदर साथ की सेवा की महत्ता क्या है, इस प्रकार आठवें प्रहर में कैसे वाणी गायन हो रहा है और प्रातः लगभग 4:30 बजे के आसपास आकर के किस तरह से वृत्त को दोहराया जाता है, कैसे परम धाम के संपूर्ण लीला को दोहरा करके ब्रज रास और जागनी तक की सारी बातों को संक्षेप में दोहराया जाता है, ये सारी वितक हमने कल सुनी। अब सूर्योदय तक का वर्णन कर चुके हैं। ये दिनचर्या एक दिन की नहीं थी, और इतना तो स्पष्ट है कि जो हमने पिछले 2 दिनों में सुना है उसे हम 1 दिन के लिए भी सहन नहीं कर सकते, जिस दिनचर्या में श्री जी सहित अनेक सुंदर साथ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा पर अनेक सैकड़ों सुंदर साथ हैं जिन्होंने इस दिनचर्या को लगभग 10 से 11 वर्षों तक निभाया है। हमसे 1 दिन भी ये नहीं निभ सकता है। 1 दिन अगर करने की कोशिश करेंगे अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसी दिनचर्या है जिसमें सेवा ही सेवा है, और वो भी प्रेम सेवा। संपूर्ण वितक में सेवा के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा विषय नहीं है जिस विषय में लगभग 1000 चौपाइयां कही गई हो, क्योंकि अष्ट प्रहर की सेवा में 1000 के आसपास चौपाई, और सेवा केवल अष्ट प्रहर में नहीं, इससे पहले भी तो सेवा का ही वर्णन है। इसलिए यदि सेवा को वितक का प्रमुख तत्व कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यदि हम सुंदर साथ के द्वारा किए गए सेवा का भी अनुसरण करते हैं तो बाकी सभी चीजें हमारे साथ साथ में चलती है, क्योंकि सेवा के साथ में प्रेम जुड़ा है, प्रेम के साथ में पहचान जुड़ी है। ये तीनों चीजें जुड़ गई तो बाकी और कुछ रहता ही नहीं है, सब इसी के साथ आ जाते हैं। जहां पहचान हो गई, प्रेम हो गया और सेवा हो गई, तो बाकी और बचा क्या? क्योंकि प्रेम रहेगा तो सब साथ में होता जाता है। प्रेम हो तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। जैसे एक उदाहरण के लिए, इतने वर्षों से हमें चितवनी के लिए प्रेरित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है,
सैकड़ों चर्चाएं और आधे दर्जन के आसपास तो साहित्य नए छपे हैं। दर्जनों साहित्य अब तक चितवनी से संबंधित हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के वृत्त हों, वृत्त की विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हों। ऐसे दर्जन भर साहित्य और सैकड़ों चर्चाओं के सुनने के बावजूद भी हमारा मन इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि प्रेम नहीं है। और यदि प्रेम हो तो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे एक माँ है, माँ का बच्चा जब बीमार पड़ जाता है तो माँ रात भर जग पाती है। और यदि पड़ोस में कोई बीमार हो तो वही माँ जो अपने बच्चे के लिए रात भर जग रही थी, अब उसे समस्या होती है क्योंकि पड़ोस वाले के बच्चे के साथ में वैसा वाला प्रेम नहीं। थोड़ा स्नेह हो सकता है क्योंकि वो किसी के साथ भी हो जाता है, पर अपने बच्चे के प्रति जो अपनत्व का स्नेह का भाव है, ममत्व का भाव है, वो दूसरे के बच्चे के लिए नहीं होता, इसलिए रात भर हम नहीं जग सकते। यही बात चितवनी के संदर्भ में भी लागू होती है कि जब राज्य के लिए हृदय में वो प्रेम आ जाए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न दबाव देने की आवश्यकता पड़ेगी, न बार बार समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार लगन लग जाए तो अवस्था कैसी होगी कि लगी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी ना है। यहाँ इन सुंदर साथ को कहना नहीं पड़ा है, आह्वान नहीं करना पड़ा है कि सुंदर साथ जी सेवा कर लीजिए। ढूंढ ढूंढ के सेवा करते हैं, और यहाँ तक कि कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको कोई सेवा नहीं मिलती है तो वो उपाय बना लेते हैं, और एक सुंदर साथ है उन्हें कोई सेवा नहीं मिली तो जहाँ खाली समय मिला, श्री जी कहीं चलने के लिए उठते हैं तो कहते हैं धाम के धनी की जय। ये भी सेवा है क्योंकि वो जिस लय में जयकारा लगाते हैं सब सुंदर साथ उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। जी जी भाई आती है, उनको कोई सेवा नहीं मिली, श्री जी के पास आके सोचते हैं कि श्री जी के चेहरे पे मुस्कुराहट लानी है, ये भी बड़ी सेवा है। श्री जी के सामने अपना सिर कर देते हैं झुका करके और कहते हैं श्रीराज मारो कपले। ऐसे ऐसे उन्होंने सेवाओं का आविष्कार किया है, और एक दिन दो दिन की बात नहीं, निरंतर करते हैं, 10 वर्षों तक करते हैं। इसलिए श्री लालदास जी ने उन सभी सुंदर साथ का यहाँ पर वर्णन किया, और हर जगह पर उन्होंने कहा कि सेवा में वही खड़े रहते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। तो इस प्रकार की 10 से 11 वर्ष की लीला हुई है पन्ना जी ने। उससे पहले की सेवा का भी महत्व कम नहीं है, पर पन्ना जी में ये दिनचर्या नियमित थी, इसलिए पन्ना जी के अष्ट प्रहर की सेवा का वर्णन है। आगे अगला जो प्रकरण है इसमें 36 विभाग की बात की गई है, जिसको यहाँ पर 36 कारखाना कहा गया है। विभाग क्या है, ये एक तरह से इसको मैनेजमेंट समझ लीजिए। मैंने कहीं पे सुना था किसी से, क्योंकि मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, पर मैंने सुना था कि जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है तो वहां पर एक बात बताई जाती है कि यदि तुम्हारे पास 100 पार्ट्स वाले कोई मशीन हो और यदि 99 पार्ट हो तो एक पार्ट तुम्हें या तो बनाना है या ढूंढ के लाना है, और यदि तुम्हारे पास केवल एक पार्ट है तो बाकी 99 पार्ट ढूंढना है या बनाना है, क्योंकि मशीन के सभी पार्ट्स का अपना अपना महत्व होता है। हमें लगता है कि इंजन का महत्व है, पर किसी मशीन में अगर एक स्क्रू भी ढीला हो तो तब भी पूरी मशीन खराब हो सकती है, एक स्प्रिंग की गड़बड़ी की वजह से भी पूरी मशीन काम करना बंद कर सकती है। तो मशीन के हर पार्ट का अपना महत्व होता है, मैनेजमेंट भी ऐसा ही है। मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो बेस्ट है, जो सबसे अच्छा है, उसे सबसे अच्छा काम लेना, और जो अच्छा नहीं है उससे उसी के अनुसार काम लेना, और जिस काम में वो अच्छा है उसको और बेहतर करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। छत्रसाल जी ने कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन
जीवन के अनुभव ने उन्हें सब सिखाया है। श्री लालदास जी ने कोई कोर्स नहीं किया मैनेजमेंट का, लेकिन जीवन के अनुभव ने उन्हें सिखाया है। जितने भी सुंदर साथ का यहां वर्णन आता है, आज तो क्या होता है मैं आपको बताऊं। आज जो सड़कें बनती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के इंजीनियर्स होते हैं, मशीनरी हाईटेक है। 21वीं सदी में विज्ञान इतनी उन्नत अवस्था में पहुंचा है, लेकिन सड़कें बनती है तो 6 महीने के बाद किसी किसी जगह पर सड़क में गड्ढे होते हैं और अधिकांश जगहों पे गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़क होती है। और आज से 2000 साल पहले के बने हुए जो सड़क हैं कई जगह पर, इतनी पुरानी सड़कें जो आज भी चालू अवस्था में है, जिसमें आज भी यात्रा की जा सकती है, गाड़ियां चलाई जा सकती है, उस हालत में क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा। केवल डिग्री होने से नहीं होता। और जो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ता है, मैं इस विषय को इसीलिए जोर दे रहा हूँ, इस प्रसंग को इसलिए भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी युवा है। युवाओं को आध्यात्मिकता में रुचि कम होती है और माता पिता भी युवाओं को आध्यात्मिकता से विमुख करते हैं किसी न किसी रूप में। कई बार क्या कहते हैं कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हैं वो किसी भी विषय को पढ़ करके आगे बढ़े, IAS IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और शिक्षा देते हैं। पर यदि हम केवल भौतिक शिक्षा देते हैं तो अमूमन औसतन देखा जाए तो किसी एक विषय में, किसी एक क्षेत्र में ही उसका विकास होता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करता है और जिसको हम ओल्ड फैशन कहते हैं, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, यदि उसका अनुसरण करते हैं, उसके आधार पर पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसका आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से विकास होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है ये मल्टीटास्किंग होते हैं। एक ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम करता है, वो लिखता भी है, वो बोलता भी है, वो गायन भी करता है, अपने छोटे मोटे सारे काम वो स्वयं ही कर सकता है। और अमूमन जो केवल भौतिक शिक्षा लेते हैं, जिनको डिग्री लेने से मतलब है, जिनके परसेंटेज देख करके उसके व्यक्तित्व का आंकलन कराया जाता है, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं कि उनके पास सर्टिफिकेट तो है पर यदि उन्हें वर्तमान समय में MRP से थोड़ा कम पैसा दे करके बिना मोबाइल फोन के मार्केट में भेज दिया जाए और उनको ये कहा जाए कि 150 रुपए का सामान है, तुम्हें मैं 100 रुपए दे रहा हूं, मार्केट में जाना है और बिना मोबाइल फोन के जाना है, उस सामान को लेके आना है, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास न बोलने का तरीका होता है, ना वो व्यवहारिकता होती है। अब डिग्री तो बड़ी बड़ी हो गई और आप देखिए आज से 50 साल पहले के जो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज नहीं है लेकिन केवल अनुभव है, वो अनुभव के आधार पर बड़ी बड़ी डिग्रीधारी लोगों से भी अधिक काम करते हैं क्योंकि उस समय का जो रहन सहन था वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। यहाँ 36 कारखानों की बात कर रहे हैं, श्री लालदास जी हैं पन्ना जी में, और केवल लालदास जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल लालदास जी के पास वो योग्यता थी, पर पन्ना जी में पहुंचने के बाद श्री लालदास जी को वो जिम्मेदारी दी गई थी। इससे पहले गरीब दास जी ने कुछ समय तक ये सेवा संभाली थी। तो ये 36 कारखाने क्या है, 36 विभाग, उसमें एक विभाग वस्त्र का है, कपड़ों का, क्योंकि 5000 की संख्या में सुंदर साथ है, किसको कब कपड़े की आवश्यकता पड़ जाए तो किसी एक को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि वस्त्र का विभाग तुम्हें संभालना है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि अकेला व्यक्ति संभालेगा,
उस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया है एक सुंदर साथ को, और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कई सुंदर साथ जो उस सेवा को संभालते हैं। दूसरा विभाग है लेखने का, पत्र चिट्ठी इत्यादि का, क्योंकि उस समय पत्र से ही व्यवहार होता था, विचारों का आदान प्रदान होता था, अपना संदेश किसी को पहुंचाना हो तो चिट्ठी लिखने का, और चिट्ठी लिखने के लिए फिर क्या क्या चाहिए, स्याही, कलम। उस समय तो कागज भी ऐसा नहीं कि आप स्टेशनरी में जाकर के लेके आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता था, तो हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो उसकी व्यवस्था एक के जिम्मे है। सुंदर साथ के लिए मेवे, सूखे मेवे इत्यादि की व्यवस्था किसी एक के जिम्मे होती थी। इसी तरह से पानी की व्यवस्था है, गर्मी की ऋतु में खस इत्यादि की खुशबू है, उसकी व्यवस्था करनी है। गुलाब की, गुलाब जल की व्यवस्था करनी है, ठंडे पानी की व्यवस्था करनी है। इसी प्रकार दवाई की व्यवस्था है, रसोई की व्यवस्था है, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है, लकड़ियों का काम है, इसी तरह से सब्जियों की व्यवस्था करनी है, हाथी खाना है, पालकी है, साफ सफाई है, मसाले हैं, पत्तल इत्यादि की व्यवस्था है, फूलहार है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है। प्रकाश में जैसे मिट्टी के तेल से आज से 20-30 साल तक पहले तक लोग गांव में गुजारा करते थे, अब उसकी व्यवस्था कैसे करनी है। मसाले इत्यादि रात को जलाने हैं तो उनकी व्यवस्था करनी है, उसके लिए पुराने कपड़े हो गए। तो ये हर प्रकार की व्यवस्था जो 36 विभागों में आते थे, इनका वर्णन आगे कर रहे हैं कि गर्मी के दिनों में हर प्रकार के, चाहे वो गुलाब जल हो, चाहे खस खाना हो, उसकी व्यवस्था करते हैं गंगाराम जी। अब पहले ये जो सेवा थी 36 कारखाने की, वो लालदास जी के हाथ में नहीं थी, पहले वृंदावन जी ने कुछ समय तक ये सेवा की, उससे पहले गरीबदास जी ने की, फिर श्री जी ने देखा कि लालदास जी बहुत बड़े व्यापारी थे, और व्यापार में तो कितने सारे व्यवसाय संभालने पड़ते होंगे, एक मुख्य व्यापार, उस व्यापार के नीचे बहुत सारे विभाग होते थे, तो श्री जी ने सोचा कि लालदास जी को इनका अनुभव अधिक होगा, और उनके अनुभव का पूरा लाभ लेने के लिए श्री जी ने लालदास जी को वो विभाग सौंपा। लालदास जी हर जगह पर नहीं जाते, मैनेजमेंट का एक सूत्र है, मैनेजमेंट का एक सूत्र है जो सबको याद रखना चाहिए। जो भी सुंदर साथ चाहे किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां मैनेजमेंट देखते हैं, या किसी की वास्तव में मैनेजमेंट की जॉब है कहीं पर, और इसके अलावा भी, क्योंकि हर व्यक्ति कभी ना कभी मैनेजर होता है, वो अपने घर के फंक्शन का भी हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से हो सकता है कि वो किसी आध्यात्मिक कार्यक्रम में हो, या किसी विवाह, या किसी भी प्रकार के फंक्शन में अगर आपको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, तो मैनेजमेंट का एक स्वर्णिम सूत्र है कि शरीर दौड़ाने से पहले दिमाग दौड़ो। समझ रहे मेरी बात? शरीर दौड़ाने से पहले दिमाग दौड़ाने का तात्पर्य यह है कि मैनेजर हर जगह पर भागता रहे तो वो मैनेजमेंट नहीं कर सकता, फिर वो किसी एक विभाग को देख सकता है। आपको तो बहुत सारे लोगों से काम लेना है, मैनेजर को काम लेना होता है, और काम लेना सबसे मुश्किल काम है। लोगों को लगता होगा कि मैनेजर कौन सा काम करता है, ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि 10 लोग हैं, 10 लोगों की बुद्धि 10 प्रकार की है, 10 लोगों का ईगो 10 प्रकार का है, और उन 10 लोगों से काम करवाना है। कभी तो आराम से कह देने से काम हो जाता है, कभी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कभी पैर पड़ने पड़ते हैं, कभी लालच देना पड़ता है, कभी सम्मान देना पड़ता है, हर तरह से काम लेना पड़ता है। पर मैनेजमेंट का सबसे पहला सूत्र है शरीर दौड़ाने से पहले दिमाग दौड़ाना है, कि आपको नहीं भागना है, आपको किसी एक व्यक्ति का चयन करना है जो भाग के जाए और आपके लिए वो काम करे, क्योंकि आपको दूसरा भी काम देखना है।
जैसे मान लीजिए कि वार्षिक उत्सव आने वाला है, किसी एक को मैनेजमेंट का जिम्मा दिया जाए, वो भाग करके मार्केट जा रहा है सब्जी खरीदने के लिए, तो क्या होगा? बिजली का विभाग ठप पड़ जाएगा। इसलिए मैनेजर को क्या करना है, हर विभाग के एक विभाग का अध्यक्ष बनाना है। बिजली की जिम्मेदारी किसी एक को देनी है, तो कोई भी समस्या हो मैनेजर उसको फोन करेगा। साग सब्जी की जिम्मेदारी, रसोई की, किराने की जिम्मेदारी है तो वो उसको फोन करेगा। कपड़ों की जिम्मेदारी किसी को दी गई है तो उसको फोन करेगा। तो मैनेजमेंट ऐसे होता है। लालदास जी ने क्या किया, मैनेजमेंट के लिए 36 विभाग बनाए, हर विभाग का एक एक सुंदर साथ चयनित किया। अब यदि सुंदर साथ को किसी प्रकार की समस्या होती है तो लालदास जी स्वयं नहीं दौड़ते कि सुंदर साथ को कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो कपड़े सिलवाने जाना है, या फिर किसी को रसोई घर में कोई समस्या आ रही है तो लालदास जी स्वयं नहीं जा रहे हैं, उस विभाग के जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष से लालदास जी मिलते हैं। 36 विभाग से प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार मिलते होंगे और पूछते होंगे कि सुंदर साथ को कोई समस्या तो नहीं है। और साथ साथ में, क्योंकि केवल सुंदर साथ की समस्या भी नहीं होती है ना, वो जो 36 सुंदर साथ हैं उनकी भी समस्या हो सकती है। तो दोनों तरफ की समस्याएं सुनते हैं कि सुंदर साथ में अभी क्या आवश्यकता है सुंदर साथ को, और व्यवस्था करने में क्या आवश्यकता है। कपड़े समाप्त तो नहीं हो रहे हैं, स्याही समाप्त हो रही है, अनाज समाप्त हो रहे हैं, या किसी भी प्रकार की व्यवस्थापन में क्या कमी है, और उन कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी फिर लालदास जी की होती है। तो इस प्रकार श्री लालदास जी ने अनाज, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मेवा मिठाई, हरड़, रुई, सूत, वस्त्र, इसी तरह से लिखने की व्यवस्था है, खजाना रखने की व्यवस्था है, कपड़े रखने की व्यवस्था है, इस प्रकार की 36 विभागों का बंटवारा किया। और कहते हैं श्री महामति कहे ए मोमिनो ए साथी सेवा के, कहो केता अजू बहुत है जिन प्यारे चरण धनी के। ये व्यवस्था की सेवा है। और कहते हैं कि सेवा करने वाले तो और भी बहुत हैं, पर सबका नाम मैं कहां तक लूं। सेवा कौन करते हैं, कहते हैं जिन प्यारे चरण धनी के, जिनको धाम धनी के चरण कमल प्रिय है वे सेवा में शामिल होते हैं। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाम के लिए सेवा करने की प्रवृत्ति दूसरे दर्जे की सेवा में होती है। पहले दर्जे की सेवा होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल, दूसरे दर्जे की सेवा होती है कुछ भी कर और फेसबुक पे डाल, तीसरे दर्जे की सेवा होती है कि जो पहले दो सेवा कर रहे हैं उनसे बड़ा नाम मेरा होना चाहिए और समाज में उनका नाम नहीं होना चाहिए। तीसरे दर्जे की सेवा होती है किसी को नीचा दिखाने के भाव से। तो श्री लालदास जी कह रहे हैं कि जिनको धनी के चरण कमल प्रिय हैं वे सब सेवा करते हैं, सबका नाम ले पाना संभव नहीं है। अब गर्मी के दिन में कैसी सेवा होती है ये बता रहे हैं कि आजकल की तरह पंखों की, कूलर की, एसी की तो व्यवस्था थी नहीं, इसीलिए गर्मी में कुछ विशेष समस्याएं हैं। पहली समस्या तो स्वयं गर्मी है, दूसरी इसके बाई प्रोडक्ट हैं। गर्मी के कारण पसीना होता है, उमस होती है, उमस के कारण दुर्गंध होती है, मच्छर होते हैं, और उसके कारण बीमारियां होती हैं। तो उस दुर्गंधी को दूर करने के लिए सुंदर से आप क्या करते हैं, गुलाब के इत्र खरीद के लेके आते हैं और गुलाब जल लेकर के आते हैं, या फिर सुंदर साथ स्वयं भी तैयार करते हैं। और क्या करते हैं, एक होता है खसखस, जो बिल्कुल बारीक दाना होता है, उसका जो शरबत पिलाया जाता है गर्मियों के दिन में, शरीर को ठंडा रखता है। सुंदर साथ वो लेकर के आते हैं सभी सुंदर साथ की सेवा के लिए। एक सेवा है, आपने देखा होगा पुराने समय में जो कूलर होते थे ना, आजकल तो भिन्न प्रकार के हैं। पुराने समय में कूलर में पीछे वो जैसे जिसको हम सरकंडा बोलते हैं ना, जंगल में पाया जाता है घास फूस की तरह,
पतली सी उसकी झिल्लीदार दीवार बनाई जाती है, उसको पीछे लगाया जाता है और मशीन क्या करता है उसमें पानी को डालता रहता है, टपक करके नीचे आता, उसका जो मोटर होता है वो पानी को सर्कुलेट करता रहता है। और जब हवा चलती है तो उस घास वाली पर्दे से हवा छन करके जाती है तो ठंडक बनी रहती है। कूलर का सिस्टम ही यही है। अब मोटर का तो आविष्कार उस समय हुआ नहीं था। सुंदर साथ क्या करते हैं कि ऐसी घास की दीवार बनाते हैं, छोटे से पर्दे बनाते हैं जो कि खिड़कियों में लगाते हैं और उन खिड़कियों में गुलाब जल छिड़कते हैं। तो जब हवा उधर से पास होगी तो कैसे जाएगी, पानी की ठंडक और गुलाब की खुशबू लेकर के। सुंदर साथ सोचते हैं कि जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा सकती है वो की जाए, गर्मी भी ना लगे और उमस की वजह से, पसीने की वजह से दुर्गंध भी ना हो, तो वो सुंदर साथ वो सेवा करते हैं। तो सुगंधित द्रव्यों को रखने की जो सेवा है वो गंगाराम जी करते हैं। फिर कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो घास के छप्पर बनाते हैं, और छप्पर बनाने में क्या होता है, बांस की कमचियां बनाई जाती है। देखिए नाम एक सेवा का है लेकिन उस सेवा में बहुत सारी सेवाएं जुड़ी होती है। जैसे बांस की कमचियां लाना है, घास जो लंबी लंबी घासें होती है जंगल में उसको लेकर के आना है, काट करके फिर उसको बांधना है, कमचियों के बीच में डालना है, उसको दीवार नुमा बनाना है, फिर उसको उठा करके छत पर, चाहे वो उसकी छत तैयार करनी हो चाहे उसकी दीवार करनी हो, उसमें पानी छींटना हो, तो उसमें एक सुंदर साथ है जिनका नाम ओका भाई है, दूसरे हैं गंगाराम, कृष्णदास, दयालदास, मोहम्मद खान, फतेह मोहम्मद, ये सब उस खस की दीवार बनाने के लिए या फिर छप्पर बनाने के लिए आते हैं। बंगला जी में उसको प्रतिवर्ष बदला जाता है क्योंकि पुराना होने के बाद एक और समस्या होती है कि क्योंकि पानी डाला गया है गर्मी, पूरी गर्मी की ऋतु में, तो वो कमजोर पड़ जाती है, छिद्र हो जाते हैं। और फिर क्योंकि गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आनी है तो वर्षा ऋतु में टपकने की संभावना होती है, इसलिए सुंदर साथ हर वर्ष उसको बदलते रहते हैं। बीच में यदि बढ़ई का काम आता है तो मोहन जी हैं, हीरामन हैं, ये बढ़ई की सेवा करते हैं। अब उसी छप्पर को तैयार करने में यदि सुतली धागे की आवश्यकता पड़ती है तो बुलचंद, मोहन ये सेवा करते हैं। बांस की कमचियों को लाने की सेवा पूर्वी भाई करते हैं। जग्गू और वीर जी उन बांस को संभालते हैं। संभालने का तात्पर्य क्या है, काट करके उसमें किसी भी तरह का धार ना बचे। जो नए लोग हैं, युवा हैं, उनको तो शायद पता नहीं होगा बांस का काम कैसे किया जाता है। गांवों में आज भी इसका प्रचलन है कि बांस की दीवार बनाई जाती है। ऐसे पक्के घर गांव में जहां नहीं होते हैं तो कच्चे घर में ज्यादा से ज्यादा काम बांस का होता है या लकड़ियों का होता है या फिर खस का होता है। आप अगर यमुना जी जाएंगे तो यमुना नदी के किनारे पर लंबे लंबे इंसान की ऊंचाई से भी ऊंचे ऊंचे घास होंगे, उसको खस कहा जाता है। एक तो होता है खसखस जो बारीक दाने होते हैं जिनके शरबत बनते हैं, एक खस होता है जिनको सरकंडा भी कहा जाता है, तो उसकी दीवार बनानी होती है। तो बांस को जब काटा जाता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो बीच में बांस के आंख का कहते हैं उसको, लगभग हर एक या डेढ़ फुट की दूरी पर होती है, बीच में चीर जाने पर वो नुकीला बनता है तो उसको काटना है। बारीक जो पतली पतली जो धार नुमा होती है उसको भी हटाना है ताकि सेवा करने वाले सुंदर साथ को उससे कट न जाए, तो उसको संभाल करके काटने की जो सेवा होती है वो जग्गू जी और वीर जी करते हैं। मैं ये डिटेल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सेवा जो करने वाले सुंदर साथ हैं वो ये नहीं देखते कि ये सेवा फलाना व्यक्ति कर सकता है, करने को तो दो लोग भी मिलकर कर सकते हैं, लेकिन सुंदर साथ सोचते हैं कि अगर दो लोगों की जगह पर 10 लोग मिलकर करें तो वही काम जल्दी समाप्त होगा, दो लोगों के जिम्मे कम जिम्मेदारी आएगी, और चूंकि श्री जी की सेवा करनी है ना तो कहीं ना कहीं से उनको तो बहाना चाहिए होता है सेवा का। तो इस तरह एक प्रमुख सेवा है जिसमें छोटे छोटे काम में हर सुंदर साथ हाथ बांटते हैं।
इनायत खान भगवान और गंगाराम जी हैं, ये बंगला जी में जल छिड़कने की सेवा करते हैं, क्योंकि आज की तरह बंगला जी पक्का नहीं बना था तो धूल न उड़े, और जहाँ जल छिड़कते हैं तो वहां पर मक्खियां भी कम बैठती हैं, तो उनके लिए जल छिड़कने की सेवा करते हैं। बिहारी दास जी बिछोने की सेवा करते हैं, और गर्मी के समय में हवा करने की सेवा, बड़े बड़े उस समय पंखे होते थे, उन पंखों से हवा करने की जो सेवा है, तो बिहारी दास हैं, गंगा दास हैं, शंकर दास हैं, ये हमेशा हाथ में व्यजन लेकर के तैयार होते हैं। व्यजन कहते हैं पंखे को, जो हाथ से घुमाया जाता है, ऐसे पंखे लेकर के वो हमेशा तैयार होते हैं। एक थक जाए तो दूसरा सुंदर साथ उस सेवा को करता है। जब कभी महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो वो व्यजन लेकर के, हाथ वाला पंखा लेकर के श्री जी को हवा करते हैं। और भी सुंदर साथ हैं जो इस सेवा में शामिल रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति लगातार कितनी देर तक कर सकता है, तो बारी बारी से बदल बदल करके ये सेवा करते हैं। इस प्रकार चार लोग तो हमेशा पंखा करने की सेवा में खड़े रहते हैं इस सेवा में, क्योंकि चार लोग तो एक दिन में चाहिए, एक बार में, अब बदल बदल करके सेवा करनी है, तो इसी सेवा को करने के लिए वल्लभ दास, शंकर दास, गंगाराम, बिहारी दास जी, निर्मल दास, प्रेम दास, मुकुंद दास जी, गोविंद दास जी, ये सब एक ही सेवा में बारी बारी से, क्योंकि लंबे समय की, पूरे दिन भर की सेवा होती है, रात को भी सेवा होती है, बदल बदल करके, क्योंकि 5000 की संख्या है, बीच बीच में कोई आता होगा हाथ बटाने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी अलग चीज है। हमें हमारे में कमी क्या हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कि वार्षिक उत्सव आया या कोई भी सेवा आती है, तो जिम्मेदारी लेकर के सेवा करने वाले सुंदर साथ का अभाव होता है। बीच में आकर के हाथ बटाने की सेवा तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, सुंदर साथ आए, मान लीजिए कि रसोई की सेवा है, भोजन बांटने की सेवा है, 8-10 सुंदर साथ आए और कहते हैं कि चलिए लाइए बाल्टी हमें दीजिए, हम कर देते हैं, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारी का बोझ नहीं है उन पर, तो वो थोड़ी देर करेंगे, एक पंगत दो पंगत कल तक खिला देंगे, फिर कहेंगे कि भूख लग रही है, फिर बैठ जाएंगे। अब यदि जिसकी जिम्मेदारी में वो सेवा है, उसने सोचा कि अब तो ये सुंदर साथ आ गए और वहां से थोड़ा सा भी इधर उधर हिले तो क्या होगा, अब वहां व्यवस्था में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए जिसकी जिम्मेदारी होती है उसको तो वहां पर रहना ही होता है, बीच बीच में कोई आकर के हाथ बटा रहे वो अलग बात है। तो ये हम सब सुंदर साथ को भी सोचना होता है। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो हमेशा हजूर में खड़े रहते हैं, निकट खड़े रहते हैं। अब अगली जो सेवा है, गुलाब जल छिड़कने की, हकीकत खान एक सुंदर साथ है, गुलाब के शीशे, वो गुलाब के इत्र के वो शीशे भेजते हैं, तो सुंदर साथ गंगाराम जी हैं, ये सभी बिस्तर पर भी छिड़कने की सेवा करते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो बिस्तर पर भी उमस के कारण दुर्गंध आ सकती है, इसलिए बिस्तर से भी सुगंधी आए तो वहां गुलाब के इत्र छिड़के जाते हैं, गुलाब जल छिड़का जाता है। गर्मी के समय में श्री जी के पहनने के लिए महीन बारीक जो वस्त्र हैं वो प्रेमदास जी लेकर के आते हैं, और ये सेवा बाद में नंदराम जी के पास आई थी। कुछ समय तक उन्होंने सेवा की, फिर वल्लभ दास जी ने उस सेवा को ली, और उस सेवा में उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया, बहुत मेहनत इन करी सब सेवा की खोज। महावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से, अब महावजी भाई पोरबंदर से पधारे हैं, उनको श्री जी ने अनार इत्यादि रखने की सेवा दी, और पत्री लिखने की सेवा, चिट्ठी लिखने की सेवा भी उनको दी। इस प्रकार विभिन्न विभागों में सेवा का बंटवारा करके, और श्री लालदास जी क्या करते हैं, सबका वर्णन उन्होंने किया, सबकी सेवा को उन्होंने स्थान दिया, और आखिर में कहते हैं कि आस बाए इन समय लागत है चरण, श्री राज हेत कर बुलावत प्रसन्न होए के मन। सबके विभाग की सेवा को देखने के बाद
अब जब लालदास जी श्री जी के चरणों में आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनकी सेवा को देखते हुए श्री जी अत्यंत प्रेम से बुलाते हैं, प्रसन्न होकर के उनकी सेवा से रिझ करके श्री जी प्रेम से बुलाते हैं। अब आखिर में कहते हैं कि श्री महामत कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ। ये सेवा करने वाले सुंदर साथ है। मैंने कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, एक सेवा है वस्त्र संभालने की, पहले प्रेमदास जी ने की, फिर नंदराम जी ने, और उसके बाद वल्लभ दास जी के जिम्मे ये सेवा आई थी। और ये वर्णन क्यों किया लालदास जी ने आप जानते हैं? मैंने कल भी कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन कर रहा है, महत्वपूर्ण ये है कि सेवा हो रही है। व्यक्ति का महत्व नहीं है, हम सब में इस बात का अहम नहीं होना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। तीन प्रकार के भाव होते हैं सेवा करने वालों के अंदर। एक कि मैं सेवा कर रहा हूं, दूसरा कि राज्य की कृपा से मैं सेवा कर रहा हूं, और तीसरा कि मैं ही सेवा करता हूं और कोई कुछ करता ही नहीं। तीन प्रकार का भाव है। तो जो ये केवल मैं ही सेवा करता हूं, ये भाव तो हो गया अहंकार या अभिमान। मैं सेवा करता हूं ये स्वाभिमान है, लेकिन ये स्वाभिमान भी इस संसार का है। इससे ऊपर है कि राज्य की कृपा से मैं सेवा कर रहा हूं। ये तीन भाव है। तीनों में सबसे उत्तम भाव है कि राज्य की कृपा से मैं सेवा कर रहा हूं। मेरा ये सौभाग्य है कि राज्य ने मुझे इस योग्य समझा कि इस तन से सेवा ले रहे हैं। 8 अरब के आसपास की जनसंख्या है, उनमें यदि राज्य ने आपको चुना है तो आपको इस बात का राज्य को धन्यवाद देना चाहिए कि राज्य आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इस सेवा को कर पाए। हमें अहंकार नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो सेवा रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री थी भारत की, वो कहते थे कि मेरे जाने के बाद देश का क्या होगा, पर उनके जाने के बाद दर्जन भर प्रधानमंत्री आए और उनसे अच्छे 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 प्रधानमंत्री आए, उनसे अच्छा चला रहे हैं और देश आज यहाँ तक पहुंचा है। तो किसी के जाने से काम नहीं रुकता है। चक्रवर्ती सम्राट मांधाता जैसे भी धरती पर हुए, भरत जैसे हुए, अर्जुन युधिष्ठिर जैसे हुए, किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए चले गए, कृष्ण जी आए चले गए, दुनिया तो रुकती नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे तो सेवा नहीं होगी। कई बार हम में इस बात का भी अहम आ जाता है कि हम नहीं होते तो लोगों का क्या होता, हम नहीं होते तो ज्ञानपीठ का क्या होता, मिशन का क्या होता, कौन सेवा करता। ऐसा नहीं है। एक बार आप सच में कुछ दिन के लिए ना हो करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि नहीं, इससे अच्छी सेवा चल रही है। तो इसलिए अहंकार की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार छत्रपति शिवाजी, वैसे तो उनमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन होता ना कि अच्छे गुणों का भी कहीं ना कहीं अहंकार आना स्वाभाविक है। तो उनके मन में एक भाव आया, वो किला बना रहे थे। बहुत सारे मजदूरों को मजदूरी मिली, रोजी रोटी मिली, तो सोचते हैं कि मैं अगर ये किला नहीं बना रहा होता तो मजदूरों की रोजी रोटी कैसे चलती। अब गुरु समझ जाता है शिष्य के मनोभाव को। तो समर्थ गुरु रामदास जो इस बात को समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं सिवा में अहंकार आ रहा है, हो सकता है किसी बात में झलक गया हो, तो उन्होंने एक लीला रची। शिवा जी को लेकर के किसी जगह पर गए, बड़ी सी पत्थर को दिखा करके कहते हैं कि मजदूरों को बोलकर कि इस पत्थर को तोड़वाना। उन्होंने मजदूरों को बुलाया, पत्थर को तोड़ा, उस टूटे हुए पत्थर में एक मेढक मेढकी का परिवार था। उसमें छोटे छोटे मेढक भी थे, बड़े मेढक भी थे, और जिसमें थोड़ा सा पानी था। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि शिवा तो कितना बड़ा हो गया, देखो तुम्हारी कृपा से इन मेढक मेढियों तक भी पानी पहुंच रहा है। शिवा समझ गए कि गुरु किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कि
इस संसार में कोई किसी के लिए करने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई कर रहा है तभी हो रहा है। जो परमात्मा उस पत्थर के बीच में उन मेढक मेढकियों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकता है, आधार तो वही है, हम तो केवल माध्यम हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम ये सेवा कर रहे हैं, और इस बात पर भी हमारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए कि हमसे सेवा लेकर के किसी और को दी जा रही है। क्योंकि इन सब सुंदर साथ का लक्ष्य ये है कि श्रीजी रिझने चाहिए, सुंदर साथ को समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जब सुंदर साथ ने ये देखा कि फलाना सुंदर साथ मुझसे अच्छी सेवा कर सकता है, उन्होंने दे दी। फिर उन्होंने कुछ समय तक किया, फिर उनको लगा कि नहीं हमसे अच्छी सेवा ये कर सकते हैं, तो उन्होंने सामने किसी दूसरे को सेवा दे दी, और जिस सेवा में वो माहिर थे उन्होंने उस सेवा को अपनाया। इस अहंकार को लेकर के नहीं तने रहे कि कोई हमें कमजोर समझेगा हम अगर इस सेवा को छोड़ देते हैं तो। इसलिए हमारे अंदर भी चाहे कोई प्रचारक हो, चाहे वो अर्थ की सेवा करने वाले सुंदर साथ हो, चाहे वो शारीरिक सेवा करने वाले सुंदर साथ हो, ये नहीं होना चाहिए कि हम ही करें, हमारा ही नाम होना चाहिए। प्रचारकों के मन में होना चाहिए कि भले ही उसमें विद्वत्ता बहुत अधिक हो, कूट कूट कर भरी हो, लेकिन कई जगह ऐसे होते हैं वहां विद्वत्ता की जरूरत नहीं होती है, वहां लठमार भाषा की जरूरत होती है, मूर्खों वाली भाषा की। मैं आपको एक बात बताता हूं। महावीर स्वामी के समय में एक पंडित था, विद्वान, ज्ञान का घमंड था उसे बहुत अधिक। महावीर स्वामी तो अपने सीधे साधे उपदेश से, वो प्राकृत भाषा में उस समय बोलते थे, सरल उपदेश से किसानों को, साधारण लोगों को अपना उपदेश बताते थे, अपने सिद्धांतों को बताते थे। वो पंडित आया महावीर स्वामी के पास, आकर के भागे भागे कहता है कि मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करनी है। महावीर स्वामी ने कहा कि यहाँ शास्त्रार्थ थोड़ी होगा, अभी नहीं करते हैं, शास्त्रार्थ करने के लिए तो निर्णायक की आवश्यकता होती है, कोई तो निर्णायक चाहिए। अब पंडित को लगा कि नहीं यही समय है, मैं तो अभी हराऊंगा। उसने कहा कि निर्णायक कौन बनेगा, आसपास कुछ चरवाहे थे, किसान थे, तो कुछ चरवाहों और किसानों को इकट्ठा करके लाया और बोलता है कि ये निर्णायक बनेंगे। महावीर स्वामी ने कहा ये कैसे निर्णायक बन सकते हैं, धर्म के विषय का इनको तो ज्ञान ही नहीं है। तो पंडित कहता है कि इनको जिसकी बात अच्छी लगेगी वो विजेता होगा। महावीर स्वामी ने कहा मानते नहीं तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो कहते कि अच्छा ठीक है। पंडित ने कहा पहले तुम बोलो। महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांत को सरल भाषा में, जो उस समय प्राकृत भाषा बोली जाती थी, जो संस्कृत का ही अपभ्रंश समझ सकते हैं इसको, तो अपनी सरल सीधी भाषा में वो तो अपनी बात बोलते गए। जो भी सिद्धांत था उनका, उनकी बारी समाप्त हो गई, समय समाप्त हुआ। उसके बाद वो पंडित धारा प्रवाह संस्कृत में बोलता गया, जो सुनने वाले थे वो भी ऐसे आंख खोल करके, मुंह बा करके खुले रहे। पंडित को लगा कि मेरी विद्वत्ता का प्रभाव अब तो पड़ा होगा, क्योंकि सब एक टक मुंह खोल करके देख रहे हैं। अब जब पंडित ने अपनी बात समाप्त करी, उसने कहा कि तुम्हें किसकी बात अच्छी लगी, तो कहते हैं कि आपकी तो समझ में ही नहीं आई। अब हमें क्या पता कौन किस विषय में बोल रहा है, लेकिन महावीर स्वामी ने जितना भी कहा सरल शब्दों में, हमें तो इनकी बात समझ में आई, इसलिए इनकी बात हम तो पसंद करेंगे। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई तो इस बात को हम पसंद ना पसंद तो बाद में आती है ना, समझ पहले नंबर पर है। तो प्रचारकों को भी ये बात सोचना होगा कि आपकी विद्वत्ता आपके पास रखिए, जहाँ आवश्यकता है सरल भाषा की तो वहां ऐसे विद्वानों की आवश्यकता पड़ेगी जहां वो सरल भाषा में बोलने में सक्षम है। आप भले ही धारा प्रवाह संस्कृत जानते हैं, अभी जागनी यात्रा चल रही थी, वहां पर हमें बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली सीखने को मिली। जैसे मैं, वैसे तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लेकर के बोलने में कहीं ना कहीं होता है कि मंच की गरिमा, पर सुंदर साथ को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। हमारे ज्ञानपीठ के ही कुछ प्रचारक हैं, जो प्रारंभ के कुछ वर्षों तक ज्ञानपीठ में रहे, 4-5 साल तक, उसके बाद अपने अपने क्षेत्र में जाके प्रचार कर रहे हैं। तो जागनी यात्रा में जैसे हमारे आचार्य अर्जुन जी हैं,
सूर्य प्रताप जी हैं। सूर्य प्रताप जी ने तो संस्कृत भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, संस्कृत के वो आचार्य हैं। लेकिन अर्जुन जी ने बहुत अधिक संस्कृत नहीं पढ़ी है, ज्ञानपीठ में जितनी पढ़ाई की उतनी ही। लेकिन जब वो बोलते हैं 5000 की संख्या भी होगी और रात के वो 2 बजे भी चर्चा कर रहे होंगे तो जनता को नींद नहीं आती है। और अगर मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर 11 बजे भी मैं चर्चा करूंगा तो हो सकता है कि लोग ऊब जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी शैली वहां की वैसी ही है, वहां मेरी शैली काम नहीं करेगी। अब अगर वहां पर मैं इस बात का घमंड लेकर के कहूं कि मैं ज्ञानपीठ का आचार्य हूं, अर्जुन जी ने तो 5 वर्ष तक ज्ञानपीठ में रह करके सीखा है, मैं 18 साल से ज्ञानपीठ में हूं, तो वहां घमंड काम नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राज्य की बात समझ में आए। हमारा लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि 4000 लोग यहाँ पर बैठे तो 4000 लोग मेरी चर्चा सुने। जब हम ये कहने लग जाते हैं ना कि मेरी चर्चा, चर्चा मेरी नहीं है, विद्वत्ता मेरी नहीं है, मैं भले ही 1000 ग्रंथों को पढ़ूं लेकिन यहाँ आकर के मैं कहने लग जाऊं कि एक बार का समय था। पार्वती माता ने अपने शरीर के मैल से गणेश जी का निर्माण किया। ये कहानी में कंटिन्यू कर रहा हूं और इस कहानी को मैंने आधे घंटे तक बोला। आप कहेंगे कि क्यों? ब्रह्मवाणी के सामने बैठ करके, जागृत बुद्धि निज बुद्धि के ज्ञान के सामने बैठ करके स्वप्निक पुराणों की बात कर रहा है तो मेरी विद्वत्ता का क्या फायदा है? तो महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर साथी यदि मुझे पसंद कर रहा है या किसी को भी पसंद कर रहा है तो क्यों? क्योंकि राज्य की बात की वजह से। तो पसंद किसको कर रहे हैं? राज्य को ना। हमारा अहंकार वहां कहां से आ गया? तो हम कुछ भी नहीं है ये भाव होना चाहिए। इसीलिए यदि किसी विद्वान को कहीं पर समय कम मिलता है या अधिक मिलता है तो वहां दूसरे विद्वान को ये सोचना चाहिए कि यहाँ की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ आर क्या है। इसी तरह से चाहे वो शारीरिक सेवा हो, चाहे वो आर्थिक सेवा हो, हर सुंदर साथ की सेवा का महत्व होता है। हमें अहम नहीं करना चाहिए और यही बात वित्तक के इस प्रसंग से हमें पता चलता है कि एक से लेकर के दूसरे को वो सेवा दी जाती रही है, दूसरे को तीसरे, दूसरे से लेकर के तीसरे के पास वो सेवा गई है। तो अब श्री लालदास जी कहते हैं कि श्री महामती कहे सैयन को ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिय पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। सेवा में कौन खड़ा रहता है? धाम धनी जिसका हाथ पकड़ते हैं। हर किसी से तो सेवा भी नहीं होती है और जिसका हाथ राज्य पकड़ते हैं वो अहम लेकर के नहीं बैठता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, राज्य ने हाथ पकड़ा है। ये वैसे ही हाथ पकड़ने का दृष्टांत अभी मैंने कुछ दिन पहले ही दिया था। ये वैसे ही है जैसे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुए ना, आपको पता नहीं नाम पता होगा, पाब्लो पिकासो का नाम सुना है आपने या लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? ये बहुत बड़े कलाकार हैं और हम हैं कला में शून्य। हम यदि मोर का नक्शा बनाने जाएंगे तो कौवा भी नहीं बन पाएगा, लेकिन यदि पाब्लो पिकासो जैसा कोई आर्टिस्ट है वो हमारा हाथ पकड़ता है, हमारे हाथ में वो ब्रश थमा देता है और हमारा हाथ पकड़ करके एक बहुत अच्छी पेंटिंग करता है और मैं अहंकार ले लूं कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, मैंने, तो क्या होगा? ये गलत है ना। राज्य हाथ पकड़ करके सेवा कराते हैं, जाके धनिये पकड़े हाथ का भाव ये है। पर अगर मैं अपना हाथ पीछे कर दूं तो राज्य उसमें फिर हाथ नहीं पकड़ेंगे। इसलिए जिन्होंने अपना हाथ राज्य की तरफ बढ़ाया है, राज्य ने उनका हाथ पकड़ करके उनके माध्यम से सेवा कराई। इसीलिए पहले समर्पण और निरअभिमानिता, ये दोनों बातें हम में होनी चाहिए। तो सेवा में कौन खड़े रह सकता है? धाम धनी जिसका हाथ पकड़ते हैं। आज इस वर्ष की वित्तक का अंतिम दिन था, हमने अंतिम चौपाई भी पढ़ ली, उसका अर्थ भी समझा। अब इस वित्तक को 2024 में इस वित्तक को सुनने का लाभ तो यही होगा कि चाहे हम सुनाने वाले सुंदर साथ हैं, चाहे सुनने वाले सुंदर साथ हैं, सब में यदि इससे इस वित्तक के शुरू होने से पहले की जीवन शैली में, उस रहनी में यदि 1% भी परिवर्तन आता है, मैं बहुत अधिक की बात नहीं कर रहा हूँ, 1% भी परिवर्तन आता है तो समझ लीजिए कि वित्तक सुनना सार्थक हुआ। और यदि
उतना भी परिवर्तन नहीं आ पाता है तो फिर व्यर्थ हुआ। अब परिवर्तन कैसे लाना है वो हमारे ऊपर है। बीतक में मैंने पिछले, क्योंकि आज 32वां दिन है ना, तो इन 32 दिनों में हर दिन हमने अलग अलग सुंदर साथ का उदाहरण पढ़ा। हमारे जीवन के अलग अलग वो नायक हैं, अलग अलग हीरोज हैं। और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि चूज योर हीरोज वाइजली, बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने हीरो को, अपने नायक को चुनना है। अब हमारे हाथ में है कि हम बिहारी जी जैसे को अपना हीरो बनाते हैं, औरंगजेब जैसे को अपना हीरो बनाते हैं, मुकुंददास जी, लक्ष्मीदास जी जैसे सुंदर साथ को अपना हीरो मानते हैं, लालदास जी या छत्रसाल जी जैसे को अपना नायक मानते हैं, किसको मानते हैं? क्योंकि हम जिसको नायक मानेंगे उसको नकल करने की कोशिश करेंगे, और नकल भी किसकी करेंगे वो फिर हमारे ऊपर है। मुकुंददास जी के समर्पण में कोई कमी नहीं है, कहीं कहीं पर हो सकता है कि कुछ त्रुटि हो, पर हम यदि मुकुंददास जी की कुछ नकारात्मक बातों को लेकर के यदि उनको नकल करें तो फिर बीतक सुनना व्यर्थ है, उनकी सकारात्मक बातों को ले। इसी तरह से देवचंद्र जी की बीतक है, चाहे गांगजी भाई की है, हर बीतक से, माताएं बाईजूराज जी की बीतक से, या रूपा है, राधा है, लाल बाई है, श्याम बाई है, ललिता सखी है, चंद्रावली है, इनके उदाहरणों से सीखें, और उनसे सीख करके यदि हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो वास्तव में बीतक सुनना सार्थक होगा। आज हम ये ना समझे कि बीतक समाप्त हुआ है, पांचवें दिन की बीतक की लीला को यहाँ पर विराम दिया गया है, और इसको ऐसे समझे कि अंतः अस्ति प्रारंभ। ये अब जो अंत हुआ है बीतक का, नए प्रारंभ की शुरुआत है, नए बीतक की शुरुआत है। क्योंकि पूरी बीतक तो कब समाप्त होती है, अभी हमने कुछ दिन पहले ही सुना अष्टप्रहर के बीतक में ही कि जब हम परम धाम में जागृत होंगे। अभी बीतक में छठा दिन चल रहा है, छठे दिन की बीतक में कोई अलग से लालदास जी नहीं आएंगे आपकी बीतक लिखने। आप सबके जीवन में एक एक कोरा कागज है, अब आपको भरना है, और ये तय करना है कि आपको उसमें क्या भरना है, किसकी नकल करनी है, किसकी नहीं करनी है, या फिर एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत करना है, ये भी तो हो सकता है ना। हमारे मन की जिस प्रकार अनंत संभावनाएं हैं, इसी प्रकार हमारे कार्य करने की भी अनंत संभावनाएं हैं। तो हम यदि चाहें तो लालदास जी से, महाराजा छत्रसाल जी से भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहें तो, क्योंकि ब्रह्मात्मा तो ब्रह्म जैसे तदोगत है और ब्रह्म अनंत है, और यदि उनके जैसा भी बनना चाहें तब भी हम इससे तो सुधार की अवस्था में पहुंच ही जाएंगे। इसीलिए सभी सुंदर साथ से ये प्रार्थना है कि हम ऐसा ना सोचे कि बीतक समाप्त हो गया है, महामती जी वाली चौपाई दोहरा ली है, आरती करके भोग लगा के प्रसाद लेके घर चले जाएंगे, बीतक समाप्त होगा, ऐसा ना। हमें सेवा, श्रद्धा, समर्पण, पहचान और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ना है, और जहां हम सेवा की इच्छा रखते हैं वहां उपाय अपने आप ही मिलते हैं। हमें केवल राज्य की तरफ समर्पित होना है, समर्पित होने के बाद, राज्य की तरफ हाथ बढ़ाने के बाद, अब आगे जाके धनी पकड़े हाथ अपने आप होने लगेगा। वो फिर हमारा जो कोरा कागज है उसमें हमारे ही हाथ से राज्य ड्राइंग बनाते जाएंगे, और ऐसा बनाएंगे कि उससे सुंदर ड्राइंग कुछ हो ही नहीं सकती है। इसीलिए हम अपना हाथ राज्य के हाथ में थमा दें और अपने जीवन में उस समर्पण के गुण को अपनाएं, प्रेम को, सेवा को अपनाएं, तो हमारा बीतक सुनना सार्थक होगा। इतना ही कहते हुए अंत में आप सभी सुंदर साथ ने श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक, नियमितता के साथ बीतक की चर्चा सुनी। जो नियमित रूप से सुंदर साथ आते थे वे सब सराहनीय हैं, और जो घरों में रह करके भी नियमित रूप से चर्चा सुनते थे समय निकाल करके, आप सब भी सराहना के, प्रशंसा के पात्र हैं। आप सब सुंदर साथ को मैं एक सुखद जानकारी देना चाहता हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ही सुखद है, क्योंकि हमारे, हमें जिन्होंने
किसी समय में अंग्रेजी हिंदी का अभ्यास कराया था, सिखाया था आदरणीय अमरलाल सेठी जी। वो कहते थे कि एक पिता को तब बहुत प्रसन्नता होती है जब उसका पुत्र पिता से आगे निकल जाता है। एक किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल को देख करके भी वैसे ही सुख का अनुभव होता है, और एक शिक्षक अथवा गुरु को उसके विद्यार्थी जब आगे बढ़ते हैं तो अत्यंत प्रसन्नता का, उसी प्रसन्नता का अनुभव होता है जो उन किसानों को और पिताओं को होता है। और यहाँ पर आदरणीय शशांक जी भी बैठे हैं, ज्ञानपीठ के आचार्य हैं, और शायद दीप्ति दीदी भी हैं। ज्ञानपीठ के आचार्यों ने, सभी ने मिलकर के जो सामूहिक प्रयास किया, उस प्रयास के फलस्वरूप इस वर्ष श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के विद्यार्थी बीतक के लिए गए थे बाहर। वैसे तो हर वर्ष जाते हैं, पर हर वर्ष कुछ न कुछ कोई ना कोई नए विद्यार्थी होते हैं। इस बार कल ही 3 विद्यार्थी बीतक करके आए हैं, चिराग जी हैं। मैं आग्रह करूंगा एक बार यदि खड़े हो जाएं तो बहुत ही कृपा होगी। चिराग जी हैं, अर्जुन जी और शैलेश जी, आप तीनों खड़े हो जाइए। ये तीनों विद्यार्थी गए थे, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बीतक की, गुजरात के दाहोद में, फिर मध्य प्रदेश में भी भिन्न भिन्न स्थानों पर चर्चा करके मेरे विचार से 3 या 4 जगहों पे बीतक का कार्यक्रम समापन करके कल पहुंचे हैं। उनसे पहले ज्ञानपीठ के ही दूसरे विद्यार्थी हैं, विवेक जी और सागर जी, आप दोनों भी खड़े हो जाइए कृपया। निकट भायला में इन्होंने कितनी 11 दिन की बीतक की चर्चा की, और आपके अलावा और कोई थे बीतक की चर्चा के लिए? हाँ जी, हाँ संजय जी भी बीतक के लिए गए थे। तो 6 विद्यार्थी हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों में बीतक चर्चा करके आए हैं, और ज्ञानपीठ के आचार्य तो भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। आचार्य शशांक जी ने इस वर्ष गुजरात के ही श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र खरेड़ी में, तथा ज्ञानपीठ आने के बाद फिर टाबर में भी उन्होंने बीतक की चर्चा की है। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के फेसबुक पेज पर लगभग सभी बीतककारों की जानकारी उपलब्ध है जिन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के बीतक की चर्चा की। राज्य की कृपा से इन 6 विद्यार्थियों के अतिरिक्त और भी विद्यार्थी थे हमारे पास बीतक के लिए, लेकिन आजकल कई बार मुझे लगता है कि YouTube का एक तो लाभ है कि सुंदर साथ घर बैठे बैठे सुन पाते हैं, पर दूसरा नुकसान है सुंदर साथ सोचते हैं कि YouTube में ही सुन लेंगे, तो इसलिए चर्चाओं का आयोजन कम होता है, अन्यथा बीतककारों की संख्या और अधिक होती। लेकिन वैसे तो ये प्रसन्नता का विषय है, लेकिन इतने में संतुष्ट नहीं होना है कि हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं बीतक करके आ रहे हैं। अभी 6 स्थानों पर हो रहा है, कम से कम यदि एक साथ 60 स्थानों पर चर्चा करने वाले प्रचारक प्रवक्ता मिले तो तब लगेगा कि हाँ अब कुछ तीव्रता आई है। लेकिन फिर भी इस वर्ष सभी विद्यार्थियों के प्रोत्साहन हेतु मैं आप सभी सुंदर साथ से भी आग्रह करूंगा कि जो आसपास के सुंदर साथ आए हैं, रविवार के दिन अपने अपने क्षेत्र में कम से कम 1.5-2 घंटे का कार्यक्रम रखें, भले ही 20-25-50 लोग, जितने भी लोग इकट्ठे हो सकें। अब हमारे पास राज्य की कृपा से अच्छे वक्ता तैयार हो रहे हैं, उनके माध्यम से आप अपने अपने स्थानों पर चर्चा कराइए। नकुड़ है, टाबर है, कुतुबपुर है, सरसावा है, सहारनपुर है, यमुनानगर है, या और भी आसपास के क्षेत्र है। सप्ताह में यदि 1 दिन का कार्यक्रम होता है तो हम यूं समझ सकते हैं कि महीने में 4 कार्यक्रम तो हो ही जाएंगे। अगर धीरे धीरे करके प्रारंभ करेंगे तो आपके आसपास के क्षेत्र में भी जागनी होगी, अन्यथा क्या हो रहा है, दावा हमने लिया है पसरसी 14 भवन का, और हकीकत यह है कि दिया तले अंधेरा है। तो इसलिए मेरी सभी सुंदर साथ से ये प्रार्थना है कि सब अपने अपने क्षेत्र में ब्रह्मवाणी का प्रचार करें, प्रसार करें। और दूसरी बात कि मैंने YouTube का एक नुकसान तो बताया, पर लाभ साथ में ये भी है कि केवल YouTube ही नहीं, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप अपने अपने घर में, अब तो सभी के घर में स्मार्ट टीवी होती है, आप घर में लोगों को इकट्ठा कीजिए
बुलाइए, बैठाइए, बैठा करके आप प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे की चर्चा सुना सकते हैं, बड़ी स्क्रीन में लगा करके ऐसे भी आप जागनी कर सकते हैं। उपाय बहुत है। मैंने इसलिए इससे पहले भी कहा था, किसी वार्षिक उत्सव की शायद चर्चा थी, वहां कहा था कि आप इच्छा और परिस्थिति बता दीजिए, मैं आपको उपाय बता दूंगा कि आप जागने के लिए ये कर सकते हैं, बस इच्छा होनी चाहिए। तो सभी प्रचारकों को शुभकामना देते हुए कि भविष्य में और भी अधिक उन्नति करें, क्योंकि ज्ञान प्रेम श्रद्धा समर्पण के क्षेत्र में कभी भी अपनी झोली को बंद नहीं करना चाहिए, कभी भी एक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि बस, इस एक शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बस बहुत हो गया इसका मतलब हमारी प्रगति रुक गई। तो आप सभी विद्वत्ता के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं, विद्वत्ता का अहम रत्ती भर भी ना आने पाए और प्रेम सेवा में यूं ही आगे बढ़ते रहें। और साथ में जो भी सुंदर साथ यहाँ पर हैं, आप भी यदि आपके घर में भी दो या उससे अधिक बच्चे हैं और चाहते हैं कि वह आध्यात्मिकता में आगे बढ़े तो ज्ञानपीठ में आपका स्वागत है। और यदि ज्ञानपीठ में नहीं आ सकते तब भी ई गुरुकुलम नाम से ज्ञानपीठ की ऑनलाइन कक्षाएं चलती है प्रत्येक शनिवार और रविवार को, उससे छोटे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। ई गोष्ठी के नाम से प्रत्येक रविवार को सुबह 10 से 11 बजे तक चर्चा होती है, उससे सीख सकते हैं। ऐसी कक्षाएं चलती रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे शिविरों का आयोजन होता रहता है। इस प्रकार सीख करके सिखा करके जागने का प्रवाह को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस इतना ही कहते हुए अब हम सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। श्री महामत कहे सयन को ए सेवा के कहे साथ, यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनी पकड़े हाथ, जाके धनी पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।